जैसे कि टाइटल सजेस्ट करता है प्रोग्रेसिव ह्यूमन राइट्स कि ह्यूमन की जो अधिकार हैं वो और आगे बढ़ने चाहिए। आज के समाज में बहुत ज़रूरत हो गई है कि राजनीति और जात पात के चलते हमारे इंसानियत को दबाया जाता है, उसको अधिकार नहीं दिए जाते। तो ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन के अधिकार को आगे बढ़ाना इस संस्था का जो काम है, मैं इसके साथ हूँ और मैं इस संस्था को इस चीज़ के लिए प्रोग्रेसिव होने के लिए बहुत बधाई देता हूँ। ठीक है, NRC के बारे में क्या है? NRC मुझे नहीं पता। NRC सुनील पाल जी एक एक्टर है और सबसे बड़ा हास्य कलाकार है, आप इनसे राजनीति को बहुत क्यों ला रहे हैं बीच में? इन्होंने दो बातें इतनी सीरियसली बोली, थोड़ा बोली अपने अंदाज में बताएं इसी चीज को, ह्यूमन राइट्स के बारे में। मैं कहना चाहता हूँ कि ह्यूमन हमेशा राइट होता है, लेफ्ट होता नहीं है, और लेफ्ट के सवाल ये कर रहे हैं मुझसे। लेफ्ट के सवाल सरकार से करो, लेफ्ट सरकार से सवाल करता है। हाँ जी, चलिए ह्यूमन राइट्स के बारे में कुछ अपने मजाकिया अंदाज में बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? ह्यूमन राइट्स जो है, इंसानों का अधिकार जो है वो है हंसना हंसाना, खुश रहना, वो सबसे पहला अधिकार है। ईश्वर भी ने ऊपर वाले ने जब हमको नीचे भेजा धरती पर तो कहा जाओ मेरे बच्चों, खुश रहो, आबाद रहो, मुंबई रहो या इलाहाबाद रहो। तो ऐसे मौके पर ह्यूमन राइट्स जो है वो मैं समझता हूँ कि सबसे पहला अधिकार है, खुल के हंसे, हंसे हंसाए और एक दूसरे के दिल में घर बसाए, यही प्रोग्रेसिव ह्यूमन राइट्स है। और ह्यूमन राइट्स ये भी है कि चाहे गरीब हो या अमीर हो, सबको प्याज खाने मिले। 200 रुपये किलो जब से प्याज हो गया है, मुंडे साहब कह रहे हैं कि प्याज में बहुत 200 है, उस प्याज के दोषों को ढूंढने लगे हैं जब से 200 रुपये में प्याज मिलने लगा है। प्याज सस्ता कराने के लिए मैंने कदम उठाया कि मैंने अपने 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 प्याज लोगों को ध्यान दे दिया, मैं नहीं खा रहा हूँ, लोगों को दे रहा हूँ। मतलब प्याज खाने छोड़ दिया? बिल्कुल, इससे बड़ा प्यास से बड़ा इस वक्त कोई आभूषण नहीं है, प्यास से बड़ा कोई इससे बड़ा कोई दौलत नहीं है। आदमी जानबूझ के बेहोश हो रहा है रास्ते पे प्याज का भाव सुनकर, मतलब प्याज का भाव सुन के बेहोश हो रहा है और उसे प्याज सुखा के होश में लाया जा रहा है, ये कितना बड़ा जुल्म है। और अगर होश में नहीं आया तो फिर उसको 4 कांदे मिल रहे हैं, तो बोले अच्छा है 4 कांदे दे दो, कांदे नहीं कांदे दे दो 4 कांदे। तो ये प्याज का मामला है, तो मैं कहता हूँ प्याज कभी कम नहीं करना, कोई सितम कर लेना, मर जाएंगे बेवड़े वरना इतना चकना कर देना। प्याज कभी बेवड़ों की भावना को समझो। तो प्याज जो है मुझे लगता है कि नए साल में आपका ही हो राज, ये दुआ है आप सबको मिले खाने के लिए प्याज। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, धन्यवाद।
मैं कहना चाहूँगी कि एक बहुत अच्छी शुरुआत है, आपको अपनी बात रखने के लिए मौका मिलता है, यहाँ पे आकर आप हर बात को सामने लोगों के रख सकते हैं। अभी एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ था जो हैदराबाद में हुआ, लेकिन जिस तरीके से उसकी एंडिंग हुई वो बहुत ही काबिले तारीफ़ है। सो ये सब इसलिए हो पा रहा है क्योंकि लोग मिलकर काम कर रहे हैं, मिलजुट कर काम कर रहे हैं, तो हम भी एक शुरुआत कर रहे हैं और ये उसी की एक शुरुआत है। मैं कंटिन्यूसली शूट कर रही थी और मैं डायबिटिक हूँ, तो मैं डायबिटिक तो बचपन से हूँ, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गई कि मैंने इंसुलिन लिया था और इंसुलिन लेने के बाद मैं बहुत देर तक कुछ खाई नहीं थी, सो मेरी शुगर एकदम से ड्रॉप हो गई और उसकी वजह से मैं कोमा में चली गई थी और मैं 48 आवर्स तक कोमा में थी। तो प्रॉब्लम यह हो गई कि मैं किसी भी मेडिसिन को रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रही थी, ना मैं ऑक्सीजन ले पा रही थी, ना मैं कुछ खा पा रही थी, तो इसके लिए मुझे वेंटिलेटर पर रखा गया। और सी मैं आप लोगों के सामने हूँ एकदम हट्टी कट्टी हेल्दी। मैं सबसे ज़्यादा सबसे पहले मीडिया को थैंक यू कहना चाहूँगी क्योंकि मीडिया ने जिस तरीके से मेरा सपोर्ट किया है और हमेशा करती आई है, फ्रॉम दैट डे वन जब से मैंने करियर स्टार्ट किया था, लोग मुझे आज भी गूगल किड कहते हैं, मैं गूगल की वजह से हूँ। और जैसे मीडिया हर कहीं हर जगह मेरी बातें पहुँचाती है, हर किसी तक मेरी जो बातें पहुँचती हैं, देखिए फैन आपके प्रोड्यूसर आपके डायरेक्टर आपके लोग सब तब बाद में है, पहले तो मीडिया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लव टू थैंक यू टू एंटायर मीडिया, देन मेरे फैन जिन्होंने मेरे लिए दुआएं की और आप सबकी वजह से आज मैं इतनी हेल्दी एकदम फिट बैठी हुई हूँ। अच्छा मुझे एक छोटी सी अनाउंसमेंट करनी है, अभी रात को 9 बजे हॉट शॉट्स डिजिटल पे मेरी एक शॉर्ट स्टोरी एल लग गए रिलीज हो रही है, एल लग गए जिसकी मैं डायरेक्टर प्रोड्यूसर और एक्ट्रेस भी हूँ, मैंने पहली बार एज अ डायरेक्टर डेब्यू किया है एंड आई एम श्योर कि आप लोग को बहुत मज़ा आने वाला है। और इन सब के अलावा मेरा खुद का एक ऐप लॉन्च हुआ है गहना वशिष्ठ ऐप, उसे ज़रूर देखिए। मैं नहीं कहूँगी कि दिन में देखो, रात में ही देखो अच्छा रहेगा, दिन में देखोगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। एल हमारी फिल्म में जितने भी लड़के हैं उन सबकी एल लग गई है और उस एल के पीछे मैं हूँ जिसने सबकी एल लगा दी है, क्योंकि डायरेक्टर भी मैं, प्रोड्यूसर भी मैं और हीरोइन भी मैं हूँ। थोड़ी सी तो है, एल लग गई टाइप की। थैंक यू। लेकिन कांदीवली में जब मैं गया तो मैंने जब प्याज का भाव सुना, भाव सुनते ही मैं बेहोश हो गया और मेरी खुशकिस्मती देखो मुझे प्याज सुबह की होश में लाया गया। और खुशी की बात है कि मुझे गलत फहमी भी दी गई कि बोले बेहोश हो गया है, इसको घर पहुंचा, बोले कैसे पहुंचाएंगे, बोले इसको चार कांदे दो। मैं बड़ा खुश हो गया कि बिना कुछ लिए दिए चार कांदे मिलने वाले हैं, बाद में पता चला चार बेवड़े मुझे छोड़ने आए थे। तो खुदा से ये प्रार्थना है, प्याज कभी कम नहीं करना, कोई सितम कर लेना, मर जाएंगे बेवड़े वरना इतना चकना दे देना। सबको मिलना चाहिए कांदा जो है, सबको मिलना चाहिए, इसी यही यही सबसे पहली इंसानियत है। मैं समझता हूँ कि अगर जैसे खाने में अचार जरूरी है, वैसे जीवन में एचआर ह्यूमन राइट जरूरी है। और ह्यूमन राइट्स ये कहता है कि सबको पर्याप्त तो भोजन मिलना चाहिए और बाजार पर्याप्त तो भोजन में प्याज मिलना चाहिए, उसकी महंगाई हम सबको ज़्यादा दूर तक दिन तक तड़पा नहीं सकती। मोदी जी अगर यहाँ होते तो कहते मित्र यह जो प्याज है इसके लिए आपको एक लॉकर बनाना पड़ेगा। मित्र ये 200 रुपए किलो क्यों हुआ? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने 2000 के नोट निकाले कि नहीं निकाले हैं? 2000 के नोट निकाले कि नहीं निकाले? निकाले। 1000 का नोट निकाला कि नहीं निकाला? नहीं नहीं निकाला। साथ में 200 का भी तो नोट निकाला था। 2500 और 200 का नोट भी निकाला था। 2000 का नोट तो तुम खर्चा कर रहे हो, 500 का भी, लेकिन कोई भी 200 का नोट नहीं निकाल रहा था।
मुझे बुरा लगा, मैंने 200 का नोट से वादा किया, अब देखना सिर्फ तू ही निकलेगा। प्याज कर दिया 200 रुपए किलो, अब जहां भी मिलो 200 के साथ मिलो। तो ये सब हो सकता है हमारे अभिषेक के भारतीय जनता पार्टी ने ये निर्णय लिया है मित्रों कि सब लोग प्याज जो है खाना बंद करो, अपने आप सस्ता हो जाए। अभी तो सिर्फ 100 रुपए 200 रुपए किलो हुआ, मैं इसको 370 रुपए किलो करूंगा, 370। उसके बाद देखना पूरी दुनिया खाना छोड़ देगी और हम सब ह्यूमन राइट्स को लेकर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मैं तो मजाक करता रहता हूँ, मेरी किसी बात को बुरा मत मानिएगा, उल्टी सीधी बातें करता रहता हूँ, क्योंकि ये साल ही उल्टा सीधा है। 19-20 होता है, ये 20-19 है। तो इसलिए गड़बड़ हो जाती है कभी बातचीत से, तो बुरा मत मानिएगा। आप सब मीडिया वालों को धन्यवाद, मीडिया वाले जो मुझे बहुत प्यार करते हैं, और हालांकि मीडिया का मतलब ही होता है प्रेस दबाना, लेकिन उन्होंने कभी मेरी बात को नहीं दबाया। और आप सब लोग सामने जो बैठे हैं, ये VIPs इतना बैठे सामने, इनसे मुझे कोई उम्मीद नहीं, हंसते ही नहीं लोग, उनके ऊपर इतना टारगेट होते हैं। लेकिन भाभी हंस रही है, क्योंकि भाभी खुद ही 2000 की नोट लग रही है गुलाबी। तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, और आप सबको बहुत मुबारक हो। सारे माननीय को मैं प्रणाम करता हूँ। एक घटना याद आ गई कि जब श्रीलंका विजय करके भगवान राम लौट रहे थे, तो विभीषण को गद्दी दे दी और विभीषण चरणों में आकर कहता है कि प्रभु आप राजा बनिए, मुझे सेवक बना के रखिए। भगवान ने उसी समय कहा था, जननी जन भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसे, कि मैं तो अपने जन्मभूमि में जाऊंगा, आप राज करिए। मेरी ये वृत्ति नहीं है कि राज भले ही मैं हासिल करूं और मैं राज करूं, जिसका अधिकार है उसे मिले। एक अच्छी बात वहां बताई थी कि सत्ता बदल गई है, व्यवस्था बदलनी चाहिए। रावण चला गया, विभीषण बैठेगा उस शासन पे, लेकिन व्यवस्था नहीं बदली। शासन चलाने वालों की मानसिकता वही है, वही लोग हैं जो रावण के साथ काम करते थे। इसलिए आप ऊपर बैठ भी जाएंगे तो कुछ कर नहीं पाएंगे। व्यवस्था बदलनी चाहिए। सरकारें आती है और चली जाती है, हम मानवाधिकारों की दुहाई देते हैं, लेकिन व्यवस्था बदलने पे ध्यान नहीं देते। अभी हम व्यवस्था ब्यूरोक्रेट्स को हम कह सकते हैं, लेकिन वहां भी हम अभी इंगित नहीं कर रहे हैं। हम पूरे समाज को कह रहे हैं कि जब राजतंत्र होता है तो राजतंत्र की व्यवस्था ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, मंत्री होते हैं, व्यवस्था चलाने वाले होते हैं, और जब प्रजातंत्र होता है तो पूरा समाज व्यवस्थापक होता है, क्योंकि पूरी सत्ता की चाबी जनता के हाथ में होती है। अगर वो जागृत हो जाए तो व्यवस्था बदल गई ये मान लेना चाहिए, और उनकी आवाज से सत्ता हिल जाती है, सत्ता बदल जाती है, और सब कुछ हो सकता है। फिर किसी भी मानव जो ये प्रोग्राम है, मतलब अपने हक के लिए लड़ना, और बहुत ही प्यारा प्रोग्राम है। मैं इस संस्था से काफ़ी सालों से जुड़ा हुआ हूँ,
और बस अवेयरनेस हर इंसान में रहनी चाहिए कि अपनी लड़ाई खुद लड़ो, दूसरों पे मत भरोसा रखो कि कोई आपके लिए लड़ेगा। हाँ, हम लोग हैं आपके साथ, मगर अपने आप को जब तक आप खुद लड़ने के काबिल नहीं होंगे या खुद लड़ोगे नहीं, डटोगे नहीं, तो मुझे नहीं लगता है कि किसी को कहीं न्याय नहीं मिले या वो सेफ रह सके। तो खुद सक्षम हो और सक्सेस हो। थैंक यू सर। विचार रखे, अवार्ड भी लोगों को दिया गया ताकि समाज में लोग संवेदनशील हो और एक दूसरे का दर्द समझ सकें, एक दूसरे की परेशानी को समझ के सहयोग कर सकें। बहुत लोगों ने विचार ये भी दिया कि कठोर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, उसके लिए आंदोलन होना चाहिए, उसके लिए बहुत तरह की व्यवस्था की जानी चाहिए, लेकिन हमारी दृष्टि में इन सब व्यवस्थाओं के साथ साथ बहुत बड़े प्रशिक्षण की ज़रूरत है समाज में कि लोग संवेदनशील हो और उनके अंदर इतनी चेतना तो जागृत हो कि जो हम कर रहे हैं ये उचित नहीं है। और मानवाधिकारों का हनन कौन कर रहा है? कोई जंगल से जानवर आके नहीं करता है, कोई शेर भालू चीता आके नहीं करता, आदमी के अधिकारों का हनन आदमी ही कर रहा है। इसलिए हमें बड़े व्यापक पैमाने पे प्रशिक्षण देने की भी ज़रूरत है, लोगों को संवेदनशील, जागृत और शिक्षित बनाने की भी ज़रूरत है। इस बात के लिए कि केवल नारे लगा लें, एक दो घटनाएँ घट जाएँ तो मोमबत्ती जला लें और बोर्ड लेके सड़क पर आ जाएँ, फिर उस घटना वाले को सजा दिलवा दें, फिर शांति से बैठ जाए, फिर घटनाएँ घटती हैं। इसलिए पूरा मानव समाज जागे, संवेदनशील हो और जैसी अपनी बहन है वैसे ही दूसरों की बहन भी समझें। जैसी अपनी बीमारी है या हमारे एक्सीडेंट में हम आशा रखते हैं कि दूसरा सड़क पे जाने वाला हमें भी उठा के हॉस्पिटल पहुंचाता, तो दूसरा भी अगर सड़क पे गिरा है तो उसे भी पहुंचाने के लिए क्या हम प्रयत्न कर पाते हैं? उस समय हमारी संवेदना जागती है या जब हमें तकलीफ होती है तभी हम कहते हैं कि समाज बड़ा बिगड़ गया है और दूसरों के लिए हम खड़े नहीं होते? तो हम सब पूरे भारतवासी ही नहीं, पूरे मानव समुदाय के लिए ये ह्यूमन राइट्स के कार्यक्रम हैं कि उस कार्यक्रम के अंदर लोगों की भावना जागृत हो, उनको पुरस्कृत किया जाए, उनकी भावनाओं को जागृत किया जाए ताकि वो प्रेरित हो, संवेदनशील हो, समाज के लिए निस्वार्थ भाव से काम कर सके। सर, कानून भी कड़क हो जाना चाहिए कानून तक। आपने वक्तव्य भी सुना होगा कि एक एक केस 10-10 साल से पड़ा हुआ है, तो सुनवाई भी तो होनी चाहिए। कानून बने हुए हैं लेकिन उस कानून का पालन भी तो होना चाहिए, और कानून का पालन तब होगा जब समाज जागृत होगा, समाज इसके लिए आवाज उठाएगा, तो मजबूरी में सरकार को उसे जल्दी लागू करना है। बलात्कार की बात फांसी दी जाए जल्दी, नहीं फास्ट ट्रैक करना चाहिए लेकिन दबाव ये पड़ना चाहिए कि फास्ट ट्रैक हो। कानून तो ऑलरेडी बना हुआ है, आप पहले नहीं, बलात्कार के लिए है मौत की सजा, ऐसा हमने टेलीविजन में ही सुना है, कोई हम तो इसके कानून के विशेषज्ञ नहीं है, लेकिन हमने सुना है कि जब सुषमा स्वराज थी उस समय ये इस कानून बना था जिसमें फांसी की सजा थी उसमें। ह्यूमन राइट के बारे में मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि राकेश पांडे, मुकेश पांडे ने बहुत बढ़िया आयोजन किया है। आज का आज वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे है और मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, और इसी प्रकार का कार्यक्रम वो हरदम करते रहें और आने वाले दिन में भी। मुझे पूरा उम्मीद है कि ह्यूमैनिटी के जो बात स्वामी जी ने कहा वो निश्चित ही बहुत ही सोचने और समझने वाली बात है कि कोई भी अगर आदमी रोड में गिरा हुआ रहता है, एक्सीडेंट अगर हो जाता है तो बगल से गाड़ी निकाल के आप लोग चले जाते हैं, कभी मदद करने के लिए हाथ नहीं बढ़ाते हैं। तो आने वाले दिन में आपको अपना हाथ बढ़ाना पड़ेगा और एक से एक कड़ी सबको मिल के इस संख्या में और इस सोच को सब तक पहुँचाना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी। आप महिलाओं के लिए बचने के उपाय हम नहीं बताने वाले, कारण बता रहे हैं। ये जो करने वाले लोग हैं वो भी किसी न किसी महिला के ही बेटे हैं, तो अपने बच्चों को इस तरीके से ट्रेन करें, बेटों को भी, ताकि ऐसी गलत हरकत बेटा ना करे। हम ये कह देते हैं कि महिलाओं को ऐसे बचना चाहिए वैसे बचना चाहिए, पुरुषों को क्यों नहीं संभलना चाहिए? पुरुषों के लिए हम कोई हिदायत नहीं देते कि इनको ऐसे चलना चाहिए, इतने देर के बाद नहीं जाना चाहिए पुरुषों को, और पुरुषों को भी बच के रहना चाहिए। सिर्फ महिलाओं के लिए हिदायत है कि महिला को ऐसे कपड़े पहनना चाहिए, महिला को इतनी देर में नहीं जाना चाहिए, तो हम उनको हिदायत नहीं दे रहे हैं। हम हिदायत माताओं को दे रहे हैं कि आपके भी बेटे
सकते हैं जो ये गलत काम करने में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि जो करने वाले लोग हैं वो आदमी ही है, किसी न किसी माँ के बेटे हैं। स्वामी जी, सारी भगवान है तो शैतान भी है, उस शैतान होते हैं तो होते हैं, तो उसी के लिए तो संघर्ष है, उसके लिए रोकने का उपाय है। क्योंकि ये सोच कर छोड़ दिया जाए कि भगवान है तो शैतान है, शैतान को करने दो, नहीं। अन्याय बढ़ता है कब? सदाचार चुप रहता तब। सदाचार चुप रहता है तो अन्याय बढ़ जाते हैं, इसलिए उसको लगाम लगाने के लिए सदाचारियों को संगठित होकर आवाज़ उठानी चाहिए। आप कहते हैं कि देवता होते हैं तो असुर भी होते हैं, तो देवता असुर को समाप्त भी करते हैं, और असुरों की समाप्ति के लिए देवता का अवतरण होता है। चर्चा के दौरान पहले तो ये 10 दिसंबर को वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे पर ये प्रोग्राम आयोजित किया गया था। इसका मकसद होता है कि मानव अपने अधिकारों को जाने, अपनी ताकत को जाने, पहचाने और अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ना सीखे। क्योंकि जो मानव अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ना नहीं जानता वो एक पशु के समान होता है। और आज वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे में इस अवसर के ऊपर, चूंकि अभी हैदराबाद के अंदर इतनी क्रुएलिटी के साथ जो रेप हुआ और जिस तरीके से उस डॉक्टर लड़की को जिंदा जलाया गया, इतना घिनौना अपराध था, और जिस तरीके से पुलिस वालों ने जो है उनका इनकाउंटर किया, संसार के अंदर, भारत के अंदर, हर कोने के अंदर जो है अप्रिसिएट किया जा रहा है। और क्यों ऐसा अवसर आया कि इनकाउंटर करने के बाद जो है पूरे देश के अंदर जो है सारे लोग खुश हुए, महिलाएँ खुश हुई, पुरुष खुश हुए, बच्चे खुश हुए, और हर मर्द को शर्म आती थी उस घटना के बाद कि हम मर्द हैं, कि घर में अपनी बेटी का, अपनी वाइफ का, रास्ते में चलते अपने गर्लफ्रेंड के सवालों का जवाब कोई नहीं दे पा रहा था कि आखिरकार इंसान इतना गंदा क्यों हो गया है, मर्द जाति क्या इतनी गंदी हो सकती है कि निर्भया जैसा कांड और हैदराबाद जैसा कांड होगा। इसको पुलिस वालों ने इनकाउंटर करके ये चीज़ सिद्ध किया है कि मर्द जाति ऐसी नहीं है, मर्द जाति जब जब जरूरत पड़ेगी तो ऐसे अपराधियों का, ये सिर्फ रेपिस्ट है, इनकी कोई जात नहीं है, ना किसी धर्म से बिलोंग रखते हैं, ऐसे लोगों का ऐसे ही इनकाउंटर किया जाएगा। लेकिन मैं मानव अधिकार के मंच से किसी की हत्या का फेवर नहीं करने के बावजूद भी एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगा कि ऐसी नौबत इसलिए आई क्योंकि अदालतों के अंदर 8-8, 10-10 साल तक अभी निर्भया का मामला जो है 7 साल से जो है कोर्ट के अंदर जो है पेंडिंग पड़ा हुआ है, आज तक उन हत्यारों को नहीं हुई। ऐसे ना अभी उत्तर प्रदेश के अंदर एक लड़की को जिंदा 1 किलोमीटर तक भागी, जिंदा जलाकर उसका रेप किया गया था, पहले उसका मुकदमा लड़ने के लिए जा रही थी अदालत में, रास्ते के अंदर वो बदमाश जिनको जमानत उसी कोर्ट ने दी थी उन्हीं रेपिस्टों को, और उन लोगों ने उसको जिंदा जो है जलाया सड़क पर खुलेआम, 1 किलोमीटर तक भागी, उसका शरीर पूरा जल गया था। किसी उस लड़की के अंदर कितनी हिम्मत होगी, माँ दुर्गा ने कितनी ताकत दिया होगा कि उसने किसी और से मोबाइल लेकर फोन करके पुलिस को बुलाया और हॉस्पिटल में चीखती रही कि मैं मरना नहीं चाहती हूँ, इनको सलाखों के पीछे भेजना चाहती हूँ। तो ये किसकी देन है? आप आज से लेके पहले तक की जितनी सरकारें हैं उनको ये चेतावनी है कि अगर वो लोग नहीं संभले तो हर जगह इनकाउंटर होंगे, ऐसे अपराधियों की मॉब लिंचिंग होगी, ऐसे रेपिस्टों को लोग पकड़ पकड़ कर मारने लगेंगे, तब इस देश के लोकतंत्र का क्या होगा, लोग कानून अपने हाथ में ले लेंगे। तो अदालत के अंदर लाखों मुकदमे जो है आज की डेट में पेंडिंग पड़े हुए, एक मुकदमे का नंबर 20 साल बाद आता है, 15 साल बाद आता है, जज नहीं है। जब जज नहीं है तो न्याय कहां से मिलेगा? तो जजों की संख्या बढ़ाओ और बाउंड करो कि 24 घंटा, 48 घंटा, 3 दिन, 5 दिन में ऐसे रेपिस्ट जो घिनौने हैं इनके खिलाफ सीधे सजा देनी है, इनके पीछे कोई ट्रायल चलाने की जरूरत नहीं है, तब जाके इनके अंदर दहशत होगी। जब इनको जिंदा जब आप लटकाओगे ऐसे लोगों को, और टाइम पीरियड में लटकाओगे, टाइम फ्रेम पे लटकाओगे, तब कोई इनकाउंटर करने की जरूरत नहीं होगी, किसी की किसी हमें भी उसकी हिमायत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अब जरूरत आ गई है देश को एक सख्त कानून बनाने की। और एक बात और आप लोग की मीडिया के माध्यम से कह देना चाहूंगा, दोस्तों आप लोग हो संसार में एक हर बात पहुंचाते हो, ये बात जरूर पहुंचाओ क्योंकि ये आपके घर में, हमारे घर में, इनके घर में, इनके घर में, हर आदमी यहां समाज से जुड़ा हुआ है। आज देश 70 साल में हर बच्चा एक चीज सीखता है कि मोर को मारने पर फांसी हो सकती है। तो मोर को मारने की हिम्मत किसी को नहीं होती, कोई मोर को देखो कोई मारता है, लेकिन यहाँ पर लड़की का, वो भी 2-2 साल, 4-4 साल, 5-5 साल की बच्चियों का इस तरीके से बलात्कार हो रहा है। ये बलात्कार तमाम मानव जाति का है, ये तमाम मानव जाति का है, भारत के लोकतंत्र का है, भारत के संविधान का है। दृढ़ता अब सिर्फ बातों से नहीं चलेगी। आज के समय में कोई भी लीडर या नेता कहता है कि इसके अंदर जो है जल्दी सुधार हो जाएगा, जल्दी जो है हम न्याय करेंगे, न्याय प्रणाली को दुरुस्त कर देंगे, 256 जो है उत्तर प्रदेश के अंदर न्यायालय खोल दिए गए हैं कि 256
256 न्यायालय को और बढ़ा दिया। 256 न्यायालय से कुछ नहीं चलेगा, देश के अंदर एक ऐसा कानून लागू करना पड़ेगा जो लोकसभा में पारित होता है, कोई राज्य के अंदर नहीं, लोकसभा में पारित होता है। जैसे मकोका है, पोटा है, वैसे इसका कानून होना चाहिए कि ऐसे अपराधियों को पकड़ के तुरंत 24 घंटे के अंदर, अगर वो अपराधी है तो देश का एक रुपया हमारे इनकम टैक्स का ऐसे अपराधियों को खिलाने में पिलाने में खर्च नहीं होना चाहिए। इन लोगों को सरेआम जो है उठा के फांसी दे देनी चाहिए, क्योंकि इससे घिनौना अपराध हो नहीं सकता। और इतना घिनौना इस देश में हो रहा है, अगर इसको अभी नहीं रोका गया तो हर पुलिस स्टेशन के अंदर इनकाउंटर होंगे या पब्लिक के द्वारा जो है ये लोग मारे जाएंगे, जिसका एक मानवाधिकार संस्था कभी भी समर्थन नहीं कर सकती। लेकिन अगर अदालतें, देश का कानून इतना सख्त नहीं हुआ तो कोई रोक भी नहीं पाएगा। और हम नहीं चाहते हैं कि लोकतंत्र का हनन हो, देश तुरंत कानून बनाए। और इसकी मांग करने के लिए प्रोग्रेसिव फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ने पूरे इंडिया भर में अपने कार्यकर्ताओं को जागरूक किया है, और हर जगह हमने कहा है, हर राज्य के अंदर जो है इसके खिलाफ जो है आंदोलन होगा। सरकार को जो है हमने जो है, क्योंकि सरकार ही जो होती है उसी वही हमारी आवाज़ सुनती, जिसकी सरकार होगी वही नियम बनाएगी। और सरकार को हम लोग जो है इसका ज्ञापन दे रहे हैं, हर जगह 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 जो है सरकार को चेताने की कोशिश कर रहे हैं, और शीघ्र ही हम इसके ऊपर इतनी बड़ी मांग उठाने जा रहे हैं पूरे प्रोग्रेसिव फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के द्वारा। आज हमने संकल्प किया है कि 10 दिसंबर के दिन कि हम जो है सरकार से इसके ऊपर सख्त कानून ला के दिलवा के ही रहेंगे, तब तक हम चैन से नहीं रहेंगे। मजबूत बनना चाहिए, जो हम मजबूत बन जाए तो हम, हमारे साथ अगर इन सब एनजीओज हमारे साथ दे रहे हैं तो वो साथ से हम आगे बढ़ सकते हैं। जैसे कि इन्होंने बोला कि फांसी चढ़ा देनी चाहिए, ऐसे ही आउट ऑफ इंडिया में सब जगह फांसी चढ़ाई जाती है विद इन 24 घंटे में। सऊदी में जैसे देखे जाए, अगर यूट्यूब वगैरह में आप देखते हो तो सऊदी में 24 घंटे के भीतर ही उसे गोली मारी जाती है और सरेआम लटकाए जाते। तो मैं चाहती हूँ, मैं भी सरकार से यही दरखास्त चाहती हूँ कि ऐसे ही कानून लाया जाए अपने भारत में और हमारा भारत का नाम रोशन करे, ना कि हमारा भारत का नाम बदनाम करे। हमारे भारत को आगे बढ़ना चाहिए, और ये इसी सब में पहले तो हमें महिलाओं को मजबूत बनना है, और हमारी संस्थाएं मजबूती है, इनका साथ लेके हम आगे जरूर करेंगे। और मीडिया द्वारा हम ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, पीएम मोदी तक भी पहुंचाना चाहते हैं कि वो भी सुने कि हम बेटियां असुरक्षित है, तो बस हमारे ऊपर एक काम कर कार्य करें। धन्यवाद। और मैं और एक चीज कहना चाहूंगी, हम हमेशा बोलते हैं बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, लेकिन ये क्यों नहीं बोलते कि बेटे को पढ़ाओ ताकि किसी की बेटी बच जाए। सबसे पहले शिक्षा हमको बेटे को भी देनी है कि हर नारी को वो एक अच्छे रूप में देखे, एक बहन के रूप में, एक माँ के रूप में, ताकि ये सारे क्राइम्स को हम कंट्रोल में ला पाए। तो मेरी गुजारिश यही है कि पढ़ाई, एक एजुकेशन से ही हम एक चेंज ला सकते हैं, और चेंज लाने के लिए सबसे पहले हमें खुद को बदलना है, क्योंकि वी आर द ओनली पर्सन हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज। फर्स्ट चेंज योर सेल्फ, चेंज योर इमीडिएट पर्सन इन योर फैमिली, देन ओनली द चेंज विल बी इंटरनेशनल और विल बी द वर्ल्ड वाइड। तो सबसे पहले अपने में चेंज लाइए, अपने घर वालों में चेंज लाइए। हर घर में ये चेंज आ जाएगा तो हमें कहीं बदलाव लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हर इंसान एक अच्छा हो जाएगा, और ह्यूमन राइट के लिए हमें इस तरह लड़ना या बोलना नहीं पड़ेगा। थैंक यू।